तो आपको बता दें कि नतीजे के 7 दिन बाद तक जांच संभव है। यह एक नई बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पहले की जो तमाम प्रतिक्रियाएं थी उसी तरीके से यह चीज लागू रहेगी, यानी बैलेट पेपर से जो चुनाव की मांग की जा रही थी वो वाली याचिका खारिज कर दी गई है, और वीवीपैट से ईवीएम मशीन में जो पर्ची के मिलान की बात थी उस मामले में भी पहले से जो प्रतिक्रिया जारी थी रैंडमली अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से कुछ ईवीएम मशीन में यह जांच की जाती थी, वही वाली व्यवस्था लागू रहेगी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इस मामले की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं, और इसे सरल भाषा में हम समझते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल से। इस सुनवाई के दौरान भी वो मौजूद थे, आज जब फैसला आया तब भी वहां पर मौजूद थे। निपुण बताइए, दर्शकों को समझाइए आज के फैसले का मतलब क्या है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह है कि जो मांग की जा रही थी और जो बार बार उठती है मांग कि बैलेट पेपर से मतदान कराइए, बैलेट पेपर वापस लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज किया है, बोला ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो की जा रही थी एक विकल्प के रूप में कि वीवीपैट की पर्चियां निकलती हैं वो वोटर के हाथ में दे दी जाए, वो अभी पर्ची जो है वो आप देख सकते हैं लेकिन वो नीचे गिर जाती है, आपको दी नहीं जाती है जब आप मतदान करते हैं, तो वो पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर उसको जाकर एक बॉक्स में डाले और बाद में गिना जाए, सभी पर्चियों को गिना जाए। यानी अगर एक लोकसभा सीट में 20 लाख मतदान हुआ है तो 20 लाख पर्चियों को गिना जाए, ये मांग की गई थी। ऐसी तमाम मांगे की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उन सब को ठुकरा दिया है। तो ना तो वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाएंगी, ना उन्हें वोटर के हाथ में दिया जाएगा, और बैलेट पेपर का तो सवाल ही नहीं है। अब बात उठती है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक तो चुनाव आयोग से कहा है कि भविष्य में विचार करें, ये सुझाव है, ये निर्देश नहीं है, कि जो पर्चियां जो निकलती हैं अभी वीवीपैट की, क्या उसमें कोड डाला जा सकता है, बार कोड, और वो जो बार कोड है उसके चलते मैनुअल तो काउंटिंग ना हो लेकिन किसी मशीन में डालें, अगर ऐसी काउंटिंग की नौबत आए या भविष्य में इस पर विचार किया जाए तो पर्चियों पर क्या कोडिंग हो सकती है, चुनाव आयोग को विचार करना, ये कोई आदेश नहीं है पहला। अब निर्देश क्या है, निर्देश दो हैं। एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है जिसके जरिए ईवीएम मशीन में सिंबल डाले जाते हैं और जो वीवीपैट मशीन होती है उसमें सिंबल डलते हैं कि कौन से आपने जो बटन दबाया उसका सिंबल क्या है, जो पर्ची छपती है, तो एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, उसे अभी सील नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको भी ईवीएम के सारे सिस्टम की तरह सिंबल लोडिंग यूनिट को भी 45 दिन तक सील रखें ताकि कोई चुनाव याचिका आए तो इस पहलू की भी जांच कर ली जाए कि क्या इस मशीन में कोई दिक्कत थी, क्योंकि ये मूल वोटिंग का ये पार्ट नहीं होता है। जब आप मतदान देने जाते हैं तो वहां पर एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक बटन यूनिट होती है जिसका बटन आप प्रेस करते हैं, और एक वीवीपैट होता है जो प्रिंट करता है पर्ची को, तो इनको तो सील रखा जाता है, सिंबल जब लोड होते हैं वो वाली मशीन को नहीं रखा जाता है सील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको भी सील रखें ताकि कोई विवाद से बचा जा सके। और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, जिस दिन नतीजा आएगा किसी भी चुनाव का, उस दिन अगर दूसरे या तीसरे नंबर का जो उम्मीदवार है, ये नहीं कि कोई निर्दलीय खड़ा हुआ जिसको सबसे पीछे 100 वोट मिले हैं पूरी सीट में, उसको ये अधिकार नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर पे जो लोग आए हैं, जो जीत नहीं पाए, वो चाहें तो दोबारा जांच की मांग कर सकते हैं। ऐसे में होगा क्या, एक बर्न्ट मेमोरी होती है, जो ये सिस्टम होता है उसकी एक मेमोरी होती है जो जिसको नष्ट कर दिया जाता है बाद में, उसकी जांच इंजीनियर करेंगे, पांच ईवीएम या वीवीपैट की जांच होगी, ऐसा नहीं है कि पूरे मशीनों की सबकी जांच होगी, पांच की जांच होगी, खर्च इसका उम्मीदवार को खुद उठाना पड़ेगा। अगर गड़बड़ी पाई गई जैसा कि वो आशंका जता रहा था उम्मीदवार, तो उसके पैसे लौटा दिए जाएंगे, दोबारा मतदान होगा, जो भी बातें होनी होंगी वो होगा, लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं पाई गई तो वो खर्चा उसको ही करना पड़ेगा। तो ये एक अधिकार जरूर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया है। जो अच्छा, निपुण बिल्कुल छोटे में बताइए, ब्रेक का वक्त हो गया, बिल्कुल छोटे में बताइए, चूंकि बीच मतदान में निर्णय आ रहा है और इसे एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाया गया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ छोटे में, कि जो लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे थे, जो लोग बार बार सवाल खड़े कर रहे थे इस पर कि भाई बैलेट पेपर से ही चुनाव हो, व्यवस्था में गड़बड़ी है, उनके लिए झटका है।
बिल्कुल उनके लिए झटका है, क्योंकि 2019 में भी इसी तरह की मांग उठी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए थे और बार बार सुनवाई के दौरान भी और फैसले में भी कहा था कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करती है, इस तरह से उसके बारे में एस्पर्शंस कास्ट करना, आशंकाएं फैलाना, ये गलत है और कोई सड़क चलता जेब कतरा नहीं है। आगे इस पर बात करेंगे, ये महत्वपूर्ण बात आपने बताई है, इस पर आगे बात करेंगे। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दूसरे चरण का जो मतदान चल रहा है उससे जुड़ी जानकारी भी तस्वीर के साथ आगे आप तक हम पहुंचा रहेंगे।